Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good today. I am going to teach you all. We are going to continue with the previous lesson that we discussed in the previous video That celebrating festivals. So, we had learned up to national festivals where we got to know that national festivals are the festivals which are celebrated by all the people uh, around the world, irrespective of their religion and we also had uh, learned about the different religious festivals that are celebrated all over the country today we are going to start with the republic day republic day is celebrated on 26th january every year the main function is held at rajpath in new delhi our president hoists the national flag there is a grand parade in which the armed force फोर्सेस, इज़ द प्लीज फोर्स स्कूल चिल्ड्रन एंड फोक डांसर्सा टेक पार्ट तो अच्छा इसी तरह से जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होती है पंद्रह अगस्त को वैसे ही छब्बीस जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं जिसको हम योम जमहूरिया कहते हैं एंड uh, इस दिन जो है जो मेन इवेंट होता है वो राजपथ पर होता है जो कि न्यू डेली में हैं एंड इस दिन uh, जो प्रेजिडेंट होते हैं वो तिरंगा लहराते हैं लेकिन इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर तिरंगा लहराते हैं एंड uh, एक बहुत ही यू you नो know, uh, एक परेड होती है जिसमें हर तरह के फोर्सेज चाहे वो आर्म्ड फोर्स है पुलिस फोर्स है इवन जो फोक डांसर्स होते हैं हर एक स्टेट के अपने अपने जो अपना रीजनल डांस जो है परफॉर्म करते हैं वो उस uh, परेड में पार्टिसपेट करते हैं चिल्ड्रेन हु फॉर अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द परेड उन बच्चों को जिनको किसी बात के लिए अवार्ड मिला होता है हिम्मत uh, उनकी हिम्मत को उनकी हिम्मत के लिए उनको अवार्ड मिला होता है तो उनको भी इस परेड में आ, शामिल किया जाता है दे राइड ऑन डेकोरेटेड एलिफेंट्स तो इसमें हाथी का इस्तेमाल होता है कि उनको सजाया जाता है और उन्हीं हाथियों पे बच्चों को रखा जाता है आर प्रेजिडेंट टेक्स द सल्यूट फ्राम द परेड एंड कलरफुल टेब्लो ऑफ मेनी स्टेट्स मेक द परेड लाइवली इसी तरह से जो परेड होती है वो सलामी देती है प्रेजिडेंट को एंड uh, वो रिसीव करते हैं उनकी वो सलामी लेते हैं एंड हर एक uh, स्टेट का एक टैब्लो बनाया जाता है एक प्रोजेक्ट जैसे एक इमेज uh, बनाई जाती है कि वो किस चीज़ के लिए फेमस है हर एक स्टेट अपने किसी चीज़ के लिए फेमस होती है अपना एक उसका कल्चर होता है तो उसको प्रेजेंट किया जाता है एक इमेज के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है जिसको हम टैब्लो कहते हैं अ टैबलो ऑफ अ स्टेट हाईलाइट्स द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट एज द प्रोग्रेस प्रोग्रेस द स्टेट हैज़ मेड तो वो टैबलो ये भी दिखाता है कि उसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड करी जाती है कि क्या चेंजेस या क्या डेवलपमेंट हुई है उस स्टेट में फ्रॉम द लास्ट वन ईयर एंड वो उसमें शोकेस किया जाता है राष्ट्रपति भवन इज़ डेकोरेटेड विद कलर्ड लाइट्स इन द इवनिंग राष्ट्रपति भवन जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस प्रेसिडेंट की होती है उसको लाइट्स uh, से सजाया जाता है शाम के टाइम इसी तरह से गांधी जयंती है गांधी जयंती इज सेलिब्रेट ऑन सेकेंड अक्टूबर एवरी ईयर गांधी जयंती को हम हर साल दो अक्टूबर को मनाते हैं वी सेलिब्रेट महात्मा गांधी इज बर्थडे ऑन दिस डे इस रोज़ा अब महात्मा गांधी का जन्मदिन असल में होता है जिसको अभी आप गांधी जयंती के तौर पे मनाया जाता है महात्मा गांधी द फादर ऑफ़ आर नेशन महात्मा गांधी जिनको फादर ऑफ़ द नेशन कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द वन जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी इंडिया को फ्राम द ब्रिटिशर्स सो ही वॉज द वन जिसकी वजह से ये नेशन बन पाया तो दैट्स वाई ही इज सेट टू बी द फादर ऑफ नेशन ऑन दिस डे द प्रेजिडेंट द पॉपुलरली नोन एज बापू जो बापू जो इनका नाम है जिसकी वजह से ज़्यादा मशहूर है हर एक इंसान के बीच तो दैट्स बापू ऑन दिस डे द the द प्राइम मिनिस्टर एंड other अदर people पीपल their respect रिस्पेक्ट एंड ऑफर फ्लावर्स एट samadhi समाधि एट in इन न्यू prayers प्रेयर्स आर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री इस रोज़ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं president होते हैं और जो बाकी important लोग होते हैं वो इनकी समाधि पे जाते हैं जहाँ पे इनको बारीक किया गया है वहाँ पे जाके इनको इज्ज़त इनको इज़्ज़त बख्शते हैं उन पे फूल नो डाले जाते हैं एंड ऑल्सो इनके लिए प्रे किया जाता है नॉट ओनली देर वहाँ पर जाके कर प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं बट ऑल ओवर द कंट्री इनके लिए प्रे किया जाता है दैन इज स्कूल फंक्शंस कि अभी स्कूल फंक्शंस कैसे होते हैं अभी स्कूल फंक्शंस में हम नेशनल डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फेस्टिवल्स वी आल्सो सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स इन स्कूल्स हम स्कूल्स में भी नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं द प्राई प्रिंसिपल ऑफ आर स्कूल द नेशनल फ्लैग स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो तिरंगा लहराते हैं वी ऑल सिंग द नेशनल एंथम बच्चे जो है वो uh, जो सॉन्ग है कौमी तराना है वह गाते हैं वी सिंग पैट्रियाटिक सॉन्ग्स जो देशभक्ति के सॉन्ग्स होते हैं जिसमें ये सॉन्ग्स वो सॉन्ग्स जिनसे जिन हम दिखाते हैं कि हमें अपने देश अपने वतन से प्यार है वो सॉन्ग्स बच्चे गाते हैं वी रिमेंबर और फ्रीडम फाइटर्स विद ग्रेट प्राइड और जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी उनको याद किया जाता है एंड अ कलरफुल रंगोली इज़ मेड एट द स्कूल एंट्रेंस एंड जो वहाँ से स्कूल में एंट्री होती है वहाँ पे एक कलर्ड डिफरेंट कलर्स की रंगोली बनाई जाती है उसी तरह से गांधी जयंती प्लेज एंड इम्पोर्ट प्लेज ऑन द लाइफ ऑफ द गांधी जी आर स्टेज टू सेलिब्रेट गांधी जयंती हीज़ फेवरेट बजेंट आर संग ऑन दिस ओकेजन आर टीचर्स इंस्पायर अस टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गांधी जी गांधी जी टॉट अस टू बी ट्रूथफुल एंड फॉलो द पाथ पाथ ऑफ नॉन वायलेंस इसी तरह से गांधी जी जो गांधी जयंती का दिन है उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन बच्चे एक प्ले करते हैं एक नाटक करते हैं जिसमें उनकी लाइफ कैसी रही है उनकी टीचिंग्स क्या थी वो कैसा चाहते थे इंसान को बनना वो दिखाया जाता है उनके जो भजनस हैं फेवरेट वो गाए जाते हैं एंड टीचर्स uh, इस दिन बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि आपको गांधी जी, जी जैसा बनना चाहिए था बिकॉज गांधी जी जो थे उनको एक तो लड़ाई झगड़े से बहुत ही नफ़रत थी प्लस वो uh, हमेशा सच का साथ देते थे उनके लिए सच बहुत इम्पोर्टेंट था तो यही टीचिंग्स इस दिन बच टीचर्स uh, जो है अपने बच्चों को स्कूल के बच्चों को देते हैं कि हमें भी इन्हीं के जैसे ट्रूथफुल बनना चाहिए एंड हमें नॉन वायलेंट बनना चाहिए यानी हमें लड़ाई झगड़ा जो है इस चीज़ में बिलीव नहीं करना चाहिए चिल्ड्रंस डे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर द बर्थडे ऑफ जवाहरलाल नेहरू चिल्ड्रंस डे जो है ये जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था इस दिन पांच सितंबर चौदह नवंबर को तो लेकिन इस दिन को अभी चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाया जाता है ही लाउड चिल्ड्रन वेरी मच इसका रीज़न ये है क्योंकि उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था वो जवाहरलाल नेहरू हमारे फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो प्राइम पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे तो इनका जन्म पाँच सितंबर को हुआ तो इस दिन को अभी चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था स्पेशल फंक्शन आर हेल्ड इन स्कूल्स चिल्ड्रन प्ले एंड एन्जॉय देम सेल्वज द होल डे हर स्कूल में फ़ंक्शनज़ होती हैं इस दिन इस दिन बच्चे पूरा इन्जॉय करते दिन भर खेलते हैं

पाँच सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं इस इस दिन डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन है आ, क्योंकि वो खुद एक बहुत ही अच्छे टीचर रह चुके हैं एंड वो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं तो इस दिन को इनकी आ, इनके इनका बर्थडे जो है इस दिन को अभी टीचर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन स्कूल्स में बच्चों बच्चे सारा कुछ ख़ुद ही संभालते हैं और इस दिन पे टीचर्स को रेस्ट दिया जाता है जस्ट टू यू नो पे देयर रिस्पेक्ट उनको इज़्ज़त देने के लिए द अदर फेस्टिवल्स दैट आर सेलब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आर लोरी शिवरात्रि ईस्टर ईद अल्हा बेसाखी तीज बिहू एंड मैनी अदर्स न फाइंड आउट हाउ दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट इसी तरह से और भी बहुत सारे सेलिब्रेट होते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स जैसे कि ईद बड़ी ईद होती है जो कुर्बानी के लिए होती है इसी तरह से बैसाखी होती है जिसका जो कि सिक्स का मेन इम्पॉर्टेंट हो मेनली होता है इनका एक इनका साल जो है सिखों का साल वो स्टार्ट होता है लोहरी अभी सिख मनाते हैं या हर कोई हिंदू हिंदू एंड सिख्स मनाते हैं तीज जब बारिश होती है मूनसून स्टार्ट होता है तो उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू थैंक यू एंड हैव अ गुड डे